पिछले 24 घंटों में डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से क्या न्यूज एंड अपडेट है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। रॉमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं, वो भी एक ऐसे रेसलर के साथ जिसका यहाँ पर हाइट है 6 फुट 8 इंच, वो भी जायंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कोडी रोड एक न्यू माइलस्टोन यहाँ पर पास कर चुके हैं, आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर रिया रिपली डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर क्या हॉलीवुड में काम करने जा रही है। नेक्स्ट आखिर रॉमन रेंस का दोबारा कब रिटर्न होने वाला है। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अब तक की क्या न्यूज एंड अपडेट है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। जो पिछले हफ्ते यहाँ पर स्मैकडाउन हुआ था उसका व्यूअरशिप था 2.50 मिलियन व्यूअरशिप और उसका रेटिंग था 0.53 रेटिंग स्टार। तो गाइस इस बार के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कुछ ज्यादा था पिछले कंपेयर स्मैकडाउन के। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली यहाँ पर निक्की विलन ये डिसाइड कर लिया है कि वहाँ पर डाइवोर्स लेने जा रहे हैं अपने हस्बैंड से। तो गाइस शायद से इनका ये दूसरा यहाँ पर डाइवोर्स होने वाला, पहला डाइवोर्स हुआ था वो भी यहाँ पर जॉन सिना के साथ और दूसरा डाइवोर्स आप देख सकते हैं इन हस्बैंड के साथ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चार्लेट प्लेयर और जेमी उसे इस समय मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, अब इनका रिटर्न चाहे जब देखने को मिल सकता है एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो गाइस आखिर ये कौन सा रेसलर है जो रॉमन रेंस का यहाँ पर साथ देने वाला है और यहाँ पर रॉमन रेंस के साथ यहाँ पर रिटर्न भी करने वाला है। तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपको हर रोज इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा चैनल पर, जहाँ हम हर रोज न्यूज एंड रिलेटेड वीडियो डालते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड। तो गाइस ये और कोई नहीं, ये सांगा बताया जा रहे, हो सकता है कि आपको इनका रिटर्न देखने को मिल जाए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर हल्क होगन को लेकर यहाँ पर एक रूमर्स निकल के आ रहा है कि हल्क होगन एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में यहाँ पर 5 सालों के लिए अपना साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। हल्क होगन का ऐसा मानना है कि उनको विंस मैकमैन के फैमिली के साथ काम कर बहुत अच्छा लगता है, वो काफी दिनों से काम कर रहे हैं, अब इनका एज हो चुका है 71 साल यानी कि 71 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बुकर डी से पूछा गया एक पॉडकास्ट में कि उनका इस समय फेवरेट रेसलर या फिर कह लो कि बेस्ट रेसलर इस समय कौन है राइट नाउ। तो गाइस यहाँ पर बुकर डी का ऐसा मानना है कि इस समय के सबसे बेस्ट रेसलर गुंथर हैं। वैसे गाइस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके अनुसार इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बेस्ट रेसलर कौन है। उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड को 150 यानी कि 150 दिन हो चुके हैं यहाँ पर अंडरस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने हुए। उसके बाद फाइनली यहाँ पर एज के बारे में एक काफी बढ़िया गुड न्यूज है कि एज अपने यहाँ पर इंजरी से रिकवरी हो रहे हैं। नेक्स्ट रिया रिपली से पूछा गया क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर वो वहाँ पर हॉलीवुड में काम करना चाहेंगी। तो गाइस यहाँ पर रिया रिपली ने काफी बढ़िया से जवाब देते हुए बताया कि वो यहाँ पर हॉलीवुड में तो काम करना चाहती है पर वो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही फोकस करना चाहती है। रिया रिपली नहीं चाहती कि दोनों में फंस कर वो उलझ जाए, वो चाहती कि इस समय केवल पर ही फोकस करें। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ये है रूमर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है कि ब्रे वाइट होंगे 2025 के हॉल ऑफ फेमर्स। वैसे गाइस मानना पड़ेगा विंस मैकमैन फैमिली को, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रे वाइट मरने के बावजूद भी इनको आज मदद कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना फार्मर क्वार्टर यहाँ पर सेल कर रही है एक बार फिर से। उसके बाद ये न्यूज है यहाँ पर AEW की तरफ से। AEW के चेयरमैन टोनी खान ने एक बार फिर से 3 रेसलरों को यहाँ पर AEW से बाहर निकाल दिया। तो गाइस ये रहे आज के न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से आपको सबसे बढ़िया न्यूज एंड अपडेट कौन सा लगा। तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।